वादा पूरा करो, मोदी जी वादा पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कश्यप आपका स्वागत करता हूँ stv.co.in में, जहाँ जब हमारे राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे शिक्षा मित्रों का कई दिनों से विशाल धरना चल रहा है, परंतु अभी तक कोई सरकार से तो प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन इन लोगों का अटूट विश्वास है सरकार पर। तो आइए बात करेंगे संगठन के लोगों से कि उनकी जो मांगे कब तक पूरी होगी, क्या आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक मिला है ना तिवारी, ये बताइए जो आप लोगों की मांगे हैं अभी तक सरकार की तरफ से क्या है? अभी कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी के दिन पर आए थे, ना कोई का रिपोर्ट है, कोई जब पहुँच गए आश्वासन मिलेगा कोर्ट द्वारा काम होने आएगा तो मैं बताऊँगा। उसके बाद से अभी तक कोई आता अभी तक कोई आश्वासन नहीं। आज हमारे धरने का 15वां दिन है, लेकिन हमें अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनकी तरफ प्रयास करता हूँ। आप लोगों की मांगे नहीं, हम अनवरत बैठे अनवरत बैठेंगे, हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे मानी नहीं। अनवरत बैठने की मांगे नहीं मानी तो और बात करेंगे लोगों से कि उनकी जो संख्या है ना इस जिले से आई है, ये बताइए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो सकती तब तक हम क्या करें? लेकिन हमारे साथियों के लिए सरकार दो शब्द तक नहीं बोलती है, मुआवजा देना नौकरी देना वो तो एक अलग बात है, यहाँ तक कि 15 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे बैठे किसी की हमारी सुन तक नहीं। सरकार पे आप लोगों को जो विश्वास है, क्या लगता है वो विश्वास सही है? विश्वास करके ही बैठे और विश्वास है तभी अभी तक टिके हुए हैं। अगर हमें हम सरकार पर विश्वास करते कि अगर सरकार हमारे ऊपर एक लाख बेहतर है लोगों का जीवन यापन करने की कोई ऐसी वो जगह नहीं दे सकती जिससे हम अपने अपना मान सम्मान वापस लेके अपनी खुशी खुशी घर लौट जाए। 16-17 दिन हो गए तो अपने घर छोड़ेंगे, इतने दिनों से आप यहाँ बैठे तो परिवार वाले भी आपको फोन करते हैं, आप लोगों को मिलकर याद आती है। भैया बच्चे भी ये बोलते हैं क्या हुआ धरने में, अभी नौकरी मिली नहीं मिली, हमारा उसे एक ही जवाब होता है बेटा मिलेगी, हम आएंगे नौकरी लेके जाएंगे। क्या नाम है आपको? ये बताइए कि जैसे आप लोगों की जो नौकरी अभी तक चल रहा है, जो आपकी इतना अभी तक किसी तरह की पूर्ति नहीं दिख रही है, तो आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना? समस्या ये है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, घर वापस आ गए और ये नौकरी जाने से क्योंकि पूरी योग्यता रखते हुए मुझे नौकरी से हटा दिया गया। और ये लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पिछले बार जो धरना हुआ था मां बहन का, उनसे उन्होंने वादा किया था, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि जो वादा उन्होंने किया है, महायोगी है, महात्मा है, वो वादा पूरा करें। टाइम दिया होगा ना कितने दिनों में नहीं, उन्होंने टाइम दिया था, वो टाइम बीत गया, अभी वो वादा पूरा नहीं। उनसे बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये शिक्षा क्रांतिकारी हैं, जो वंचितों के बच्चों को पढ़ाए हैं, जो शिक्षा क्रांतिकारी हैं, हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मैंने 35,000 का काम 3500 रुपये में 15 साल किया है और उसका इनाम मुझे क्या मिला? अयोग्यता का मौका मिला। इसलिए मैं उनसे चाहता हूँ, पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो ये शिक्षा क्रांतिकारी हैं, इनका अपमान करने के बजाय इनको इनके घाव पर जो है नमक लगाने के बजाय मरहम लगा करके इनको बचा लें, अन्यथा इनके अभी 600 मरे हैं, आने वाले समय में 6,000 मर जाएंगे। ये बताइए जब आप लोगों की जमीन होती है तो आप लोगों ने किसी तरह का ऋण भी लिया था? हाँ, जब हम लोग नौकरी के भरोसे आदमी घर बनवा, जब हम लोग सहायक अध्यापक बने थे, क्योंकि वर्षों से हम लोग 3500 पाए, 100 रुपये पर रोज पढ़ाए थे, बहुत अभाव में जिए, लेकिन हमें जब सम्मान मिला सहायक अध्यापक का, तो उसके बाद हम लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला और उसके बाद लोन लिया, मकान बनाया। क्योंकि जो शिक्षा मित्र है वो गांव का गरीब किसान का लड़का था, किसी अमीर का लड़का नहीं था। लोन हम नहीं चुका सकते, वो लोन का RC हो गया है और बैंक वाले रोज रोज परेशान कर रहे हैं, इससे भी आहत होकर के आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। एक तो सरकार की तरफ से कोई मरहम नहीं लग रहा है, दूसरे बैंक
बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, तीसरे समाज वाले हमको अपमानित कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास अब आत्महत्या करने के, या तो योगी जी सभी को फांसी की सजा दे दें, हम लोग फांसी पर झूल जाएंगे, नहीं तो हमको हमारा सम्मान वापस कर दें, ये उनसे निवेदन है हमारा। तो मानसिक शोषण सरकार करे, मानसिक शारीरिक सामाजिक आर्थिक हर तरह का शोषण शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। इस जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक किसी कर्मचारी के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना एक शिक्षा मित्र के साथ हुआ है। और ये शिक्षा मित्र वो शिक्षा मित्र है कि जिसके घर के 7 पुस्तक के बच्चे नहीं, 7 पुस्तक नहीं पढ़े थे, उनको लाकर के पढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है, वंचित वर्ग के बच्चों को लाकर के पढ़ाने का काम किया है, और उसका इनाम ये मिला है कि अयोग्यता का मुहर लगा करके हमको तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे मैटर में राजनीति द्वेष से ऊपर उठ करके हमारे लिए मरहम लगाने का कार्य करें, नहीं तो वही हाल होगा कि जो घनानंद ने चाणक्य के साथ किया था और चाणक्य का अपमान हुआ और घनानंद मिट गया और चंद्रगुप्त मौर्य आ गया और 172,000 लोगों के साथ अगर इस तरह से चाणक्य के साथ अपमान होगा तो सोचिए 172,000 चाणक्य जिस दिन विरोध में आ जाएंगे आप कहाँ खड़ा होंगे, ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये थे शिक्षा मित्र जिनका कहना है कि हमारा कहीं ना कहीं सरकार शोषण कर रही है, अलग अलग चीज़ों से अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम ये बंद करेंगे और जितने को हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम ये धरना इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे चाहे यहाँ से हमारी राशि। नाम है आपका? नाम क्या है? किस जिले से आई? तो इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ से हम लोगों की लाश ही जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो कमियाँ हैं उनको छुपाने की वजह से इन लोगों की भक्तियाँ या नृत्य या इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ विक्रम कृष्ण से इजाजत। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।